नमस्कार और स्वागत आप सबका स्कूल लीडरशिप एकेडमी SCERT JNK के एक और इंटरेक्टिव सेशन में। स्कूल लीडरशिप एकेडमी SCERT NCSL यानी कि नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप नीपा नई दिल्ली के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और स्कूल हेड्स की बेस्ट और एग्जाम्पलरी प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करता है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइलेंट वर्कर सुरेश कुमार जी, जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिंडी चरका कला अरनिया जम्मू के प्रमुख हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट में आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा अब तक और इसकी शुरुआत कब हुई? इंस्पेक्टर मैम, अगर सफ़र की बात करें तो मेरा सफ़र 2003 में शुरू होता है, जब मैं रैबर तलीम की हैसियत से इस स्कूल को ज्वाइन करता हूँ। उस वक्त ये स्कूल प्राइमरी स्कूल था और बहुत से स्कूल जो थे बंद हो चुके थे हमारे इलाके में, और ये स्कूल भी उस वक्त बंद होने की कगार पर था। इनरोलमेंट बहुत कम थी, स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, सिर्फ 2 कमरे थे, 2 कुर्सियाँ थी, एक हमारे हेडमास्टर श्री दर्शन लाल सैनी जी थे और 7-8 बच्चे थे। तो उस वक्त जो है मेरा सफ़र जो है शुरू हुआ और मैं देखता हूँ कि उस वक्त मतलब ग्राउंड की तो कमी थी ही जहाँ पे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे बारिश का जब मौसम होता था तो लोग अपने पशु भी जहाँ पे बांधते थे और कटी हुई फसलें भी लगाते थे, हालात बहुत ख़राब थे और लोगों की मैं देखता कि लोगों का जो रुझान था वो तलीम की तरफ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे क्यों नहीं आते हैं स्कूल में। फिर मैंने अपने मतलब कमेटी मेंबरान के साथ मिलना शुरू किया, उसके बाद मैंने पेरेंट्स को जाकर घर घर जाकर जहाँ भी बैठने का मौका मिलता उनको मोटिवेट करता, उनको विश्वास में लिया और धीरे धीरे क्या हुआ कि एनरोलमेंट हमारी जो है स्कूल की बढ़ना स्टार्ट हो गई और इसी से क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में हमारा स्कूल जो है मिडिल स्कूल में बदल गया। फिर मुझे 3-4 साथी और मिले, श्री जीतराज जी, कमलदीप जी, कुसुमलता जी, तो इससे हमारा ऐसे ही हमारा जो कारवां था ये शुरू हुआ था। जी, तो एनरोलमेंट उसके बाद आपकी स्कूल की जी बढ़ी। सर, हाल ही में आपने NCSL द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में अटेंड की, जहाँ पर पूरी कंट्री से सारी स्टेट्स और यूटी से अकेडमिशियंस आए थे और स्कूल हेड्स भी आए थे, वहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताइए। इंस्पेक्टर मैम, वाकया ही ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में नेशनल युवा केंद्र में हुई थी, जी एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। अहम इसलिए थी कि पूरे हिंदुस्तान से जो बुद्धिजीवी वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे सब ने अपने अपने तजर्बात को जो है शेयर साझा किया था, सब ने बताया कि उनके चैलेंज कैसे रहे और उन्होंने अपने चैलेंज को दूर करके अपने स्कूल को बुलंदियों पे पैसा कैसे लाया। और वहाँ पे जाके ही मुझे पता चला कि हमने कुछ भी नहीं किया है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ वहाँ से हमने ये भी सीखी कि बहुत कुछ कैसे किया जाता है। तो और इस जो कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि हम दूसरों के तजर्बात को लेके अपनी जूनियर टेरिटरी में जाएं और वहाँ से जो वहाँ पे अपने जो साथी हैं दूसरे टीचर साहिबा उनके साथ साझा करें ताकि वो भी इंस्पायर हों और जो जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका अच्छा सिस्टम बन जाए, मतलब कि विकसित एजुकेशन सिस्टम हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर का। जी सर, तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा और मुझे लग रहा है कि आप मोटिवेट भी वहाँ पर बिल्कुल, वहाँ से हमें पता चला कि अगर हम उठान लें, सोच लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी सर, सर अगर हम आपके स्कूल की बात करें, अगर हम आप अपने स्कूल का SWOT एनालिसिस करें तो आपके स्कूल की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या रहे? PRI जो है, पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर हैं उनका हमें बड़ा साथ है। मेरे जो स्टाफ मेंबरान हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम बॉर्डर पर हैं BSF हमारा बड़ा साथ देती है। BSF ने हमें कई बार जो है मतलब हमारे जहाँ पे आकर मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, हम उनके साथ मिलके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कहने का मतलब कि ये हमारी जो है मतलब स्ट्रेंथ है
इसी के साथ जो है हम चेक देख रहे हैं कि हमारे स्टाफ मेंबरान और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है पैदा हो रही है और देशभक्ति की भावना जो है उनमें जागी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेसेस मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ कि एक तो बॉर्डर पर हमारा स्कूल है, फायरिंग का मसला रहता है, और दूसरा नंबर जो मतलब कि हमारी जो ग्राउंड्स की कमी है हमारी, जहाँ पे हालांकि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली फिजिकली डेवलप किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए ग्राउंड बड़ी जरूरी है। तो ये मैं वीकनेस मानता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हमारे पास बहुत सी हैं, जैसे हमें कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर हमने BSF ने हमें डोनेट किया था, गिफ्ट दिया था, और 3 कंप्यूटर जो है मैंने मायर जो PNB मायर ब्रांच है बैंक की, उनके साथ मैंने रابطہ कायम किया और उन्होंने हमें 3 कंप्यूटर से गिफ्ट किए। तो इससे हमारी ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि हमने अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे NEP अब चल रही है, NEP से हमारे साथ अपॉर्चुनिटी के बड़े रास्ते खुले हैं। इससे क्या है कि जैसे हम बच्चों में एक प्रोफेशनलिज्म की सोच पैदा कर सकते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर जिस तरीके से हमें NGO से सपोर्ट मिल रही है, जैसे हमें डोनेशन दिया जा रहा है, और इस वक्त गवर्नमेंट जैसे फंडिंग ज़्यादा कर रही है, तो इससे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी जागी है कि हम अपने स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना सकते हैं अपने जम्मू कश्मीर रियासत में। उसके बाद जो थ्रेट्स, सबसे बड़ा थ्रेट्स जो मैंने 5 साल में देखा, अपने 5-6 साल में, वो जो मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि लोग जहाँ से पलायन कर रहे हैं ज़्यादा, उनके दिलों में अपनी जिंदगी बचाने का डर है, जिसकी वजह से वो मतलब प्लान कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हमारा जो लोग जहां से प्लान करते रहे, तो मेरा मानना है कि हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो मेरे साथियों के इफेक्ट्स हैं, मेरे एफर्ट्स हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के दिलों में जिंदगी बचाने का डर बना हुआ है, और जिंदगी जो है, जिंदगी का डर जो है सीधा हमारे एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी एनरोलमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ये स्कूल जो आपने बताया कि बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, तो उसमें आपके जो थ्रेट्स हैं वो थोड़ी बढ़ भी जाती हैं। जी जी बिल्कुल। और एक तो यहाँ पर काफी दूर भी है स्कूल, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमारे साथी बाहर से आते हैं टीचर साहिबा, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे पहुंचे, वापस कैसे जाना है, क्योंकि जहाँ पे सुबह 2 गाड़ियाँ आती हैं और रात को 2 गाड़ियाँ, उसके अलावा कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है, ये थ्रेट आप फील करते हैं। सर, अगर हम बच्चों की बात करें, पैडागॉजिकल लीडरशिप की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखो मैम, इसके लिए ना इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बिल्कुल फोकस दे रहा हूँ कि NEP 2020 की गाइडलाइंस पर, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम चल रहे हैं। उनकी गाइडलाइंस को लेकर जैसे जो हमारे छोटे बच्चे, हमने नर्सरी क्लास स्टार्ट की हुई है, उनके लिए हमें अभी एक किंडरगार्टन का जो फंड है वो नहीं आया, लेकिन हमने अपनी कोशिशों से एक अलग कमरा तैयार किया उनके लिए। वहाँ पे हमने बच्चों के लिए खिलौने रखे हुए हैं, लर्निंग कॉर्नर अलग अलग बनाए हुए हैं, म्यूजिक कॉर्नर और गेम्स कॉर्नर, अलग अलग कॉर्नर जो है बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। बच्चे मतलब बड़े खुश होते हैं वहाँ पे देख के उनको। और सबसे बड़ी बात है कि हमने डाइट ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी SCERT और डाइट ने, कि आपने जादुई पिटारा जो है इम्प्लीमेंट करना है, वो उन्हीं दिनों से हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और बच्चे बड़े खुश होते हैं जादुई पिटारा देख के। तो बड़े बच्चों के लिए जैसे हमने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की हुई है, तो इससे हमारे बच्चे जैसे टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कम्युनिटी मेंबर अपने और प्लस जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैंने अपनी पैडागोजी का हिस्सा बनाया होगा। जी सर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की आप बात करें तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट स्कूल लीडरशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी जी। तो कम्युनिटी को आपने स्कूल डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ा? देखो मैम, सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ उन गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स को, जिन्होंने ये एक सोच सोची कि एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए SMC या विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर का होना बड़ा जरूरी है, और उन्होंने स्कूलों में इसका संगठन किया। हमने भी 2003 से ये शुरू कर दिया, कहते हुए हम SSA की ट्रेनिंग करते थे, वहाँ से हमें जो था रोशनाश किया गया कि आपने भी कमेटी बनानी है, उस वक्त विलेज एजुकेशन कमेटी कहा करते थे, हमने बनाई। और हमारा उसके साथ क्या हुआ कि हमारा इतना अच्छा अनुभव रहा
कि हमारे जो कमेटी मेंबरान थे उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग रहे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सरपंच साहिबान तो लबरदार साहब तो होते ही थे, हमारे यूथ होते उसमें, हमारे सोशल एक्टिविस्ट फीमेल जो है एससी कैटेगरी से, ओबीसी से, हम सबको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते थे। और उन लोगों का हम पर प्रेशर भी होता था, एक इम्प्रेशन भी होता था, और हमने हमेशा कोशिश की है कि उनके बगैर ना चलें, और उनकी जो सोच होती थी उनकी सोच को हमने हमेशा इस स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो यही नतीजा है, जो हमें उनसे गाइडलाइन भी मिलती थी, कोऑपरेशन भी मिलती थी और एप्रिसिएशन भी मिला करती थी। तो ये जो मतलब कहने का मतलब कि जो सारा साथ जो है मतलब कमेटी मेंबरान के जो सहयोग से हुआ, जो जितना भी तब्दीली आई उसमें आपने बीएसएफ और बीएसएफ को इसमें क्या था कि मैंने जैसे हमारे जो हायर अथॉरिटी थी जो मुझ पर जो असर हुआ जो सारा ट्रेनिंग्स का असर था, जैसे एससीईआरटी या डाइट जो ट्रेनिंग कराती थी जो वो कहते थे मैं कोशिश करता था उसको इम्प्लीमेंट किया। वहाँ पे हमें कहा गया था, दो चीज़ें बताई थी उन्होंने कि आपने एक कम्युनिटी को भी अवेयर करना है कि आप भी डोनेट करें इसको स्कूल को बनाने में, और एनजीओ के पास जाए उनको भी बोले। तो मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि सबने तो साथ नहीं दिया, लेकिन जैसे हमारे बीएसएफ है इन्होंने भी हमें इनके पास अप्रोच की, ये गेस्ट लेक्चर इन्होंने देना शुरू कर दिया हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि जहाँ पे फीमेल कांस्टेबल हैं वो हमारी बच्चियों को आके गाइड करती हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी में आगे जाना है। और इन्होंने हमें एक कंप्यूटर दिया था, इस वक्त तो 148 बटालियन है, वो 200 बटालियन थी बीएसएफ की जी। तो उन्होंने हमें एक कंप्यूटर गिफ्ट दिया था बच्चों की मतलब एजुकेशन के लिए। उसके बाद हमने जो है जेके बैंक जो है हमारे अला में है इनको भी अप्रोच किया, जहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन एक मैं रिश्तेदार के घर में गया हुआ था, वहाँ पे मुझे पीएनबी मायर ब्रांच का एक बंदा मिला, उनके साथ मैंने बात की और 10 दिन के अंदर उन्होंने हमें 3 कंप्यूटर जो थे डोनेट किए जी। तो कहने का मतलब ये सिलसिला ऐसे बढ़ता रहा। उसके बाद जो हमारे यूथ हैं, हमारे एक बिक्की बाबा जी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने हमारे बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स किट दी थी, हमें जिसमाना एक हमारा पड़ा हुआ है इधर टेंट बोलते हैं जिसको, वो उन्होंने डोनेट किया। अभी हमने एक रखा हुआ है टेबल का पीरियड होता है जो टेबल स्टैंड, वो डोनेट किया, और ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं ये भी उन्होंने डोनेट किया। तो कहने का मतलब कि जैसी इंस्ट्रक्शन थी उस पर मैंने अमल करके काम करने की कोशिश की और पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिले जी। सर पहले आपने कोशिश की जी, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। बिल्कुल जी मैम। सर अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका मोटिवेटिंग फोर्स क्या है जो आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इंस्पेक्टर मैम, मैं सुनता भी रहा हूँ और पढ़ता भी रहा हूँ कि टीचर आर द पिलर ऑफ नेशन। तो इसी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर मैंने हमेशा कोशिश की है कि एक अच्छा टीचर साथ हो पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं एक अच्छे टीचर के रूप में अपनी साख पैदा कर सकूँ। और इसके लिए जो है मेरा एक बात मेरी और भी मानना है कि अगर वर्किंग टीचर हैं जो हमारे, अगर वो नेशन बिल्डर हैं, तो जो रिटायर्ड टीचर है वो हमारी नेशन की छत है। तो इसी चीज को सोच को लेकर जो है मैं अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं उनके संपर्क में हूँ, और उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनके जो तजर्बात हैं, उनकी डायरेक्शन है, वो मेरी मोटिवेशन फोर्स बनते हैं। इसके अलावा जब भी मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे जहाँ स्कूल के स्टाफ मेम्बरान जब भी कहीं जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा मोटिवेटेड महसूस करता हूँ। सर आप स्कूल में RTI आपने ज्वाइन किया, तो इस स्कूल को आपने अपनी कर्मभूमि बनाया जी मैम, जी, और हमारी ये शुभकामनाएं हैं आपके जी, साथ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने स्कूल को आगे बढ़ाते रहें और बच्चों के हित में काम करते रहें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नाचीज हस्ती को जहाँ पे मतलब कॉल किया SCERT SLA जम्मू की जानिब से। तो मैं SLA और SCERT जम्मू के सारे स्टाफ मेम्बरान का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सेशन तक बुलाया है और मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो स्कूल लीडर्स के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपने भी अपने स्कूल में बच्चों के हित में कुछ बदलाव लाए हैं तो आप अपनी केस स्टडी एंट्रीज हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी SLA SCERT GK
sfkeyboard@gmail.com पर भेज सकते हैं। केस स्टडी फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स जो कि हर डिस्ट्रिक्ट की डाइट से नियुक्त किए गए हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और सेलेक्ट किए गए स्कूल हेड्स को हम अपने सेशंस में इनवाइट करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SLA SCERT JK को ज़रूर विज़िट करें। और अगर इस सेशन से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं या सजेशंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारी ऑफिशियल मेल पर भी भेज सकते हैं। और अंत में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।